इसके बाल भी बिल्कुल रुई जैसे हैं। जैसे ये आसपास किसी के पास भी नहीं है जी, ये गाजियाबाद में ही आपके पास सेल के लिए है ये? हाँ कोई लेगा तो मैं इसको दे दूंगा। ये बीगल की फीमेल है, इसकी मदर ये वाली है, उसका फादर ये मदर। सुंदर फीमेल है सूटी जी, ये अभी मैट खड़ी है। ये तो बिल्कुल मेल जैसी लग रही है, इतनी बड़ा साइज है इसका। हाँ ये पहले सिर जो चलते थे इस बिग साइज के। अच्छा सो हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हम आए हैं हापुड़ में। ये मोंटी भाई हैं हमारे, इनका ब्रीडिंग सेटअप है। सो भाई का ब्रीडिंग है बीगल में और शिट्ज़ू में मेनली, और बाकी जो जो जैसे जैसे ब्रीड्स हैं वो आपको आगे ब्लॉग में पता चलती रहेंगी। सो मोंटी भाई की तरफ आते हैं। मोंटी भाई आज हम इस टाइम कहाँ पे हैं एग्जैक्टली? हापुड़ में। आप हापुड़ में यूपी में हो, गड़गड़पुरी चौकी के पास, नक्शी रोड जी। सो आपका जो ये डॉग ब्रीडिंग में आप हैं, मतलब पहले बेसिकली शौक ही होगा सबसे पहले बचपन में तो? हाँ, वो तो होता ही है। देखो जी, तो आपने जो ये ब्रीडिंग लाइन स्टार्ट करी, ये आपने कब से करा और क्यों, मतलब आप इस फील्ड में क्यों आए? देखो जैसे कि सबको पता ही है कि डॉग्स के मामले में कि सबको शौक ही होता है सबसे पहले। जी जी। और मेरे ग्रैंडफादर को बहुत ज्यादा शौक था। अच्छा, इसके बारे में उनसे खानदानी चीज आ रही है। हाँ, ब्रेड लाइन में समझ लो। जी जी जी। हाँ, तो इस तरीके से मुझे शौक था शुरू से ही जी, और बाकी फिर धीरे धीरे प्रोफेशनल बना लिया जो शौक को ही, मतलब इसी शौक को आपने बिजनेस टाइप अपना कन्वर्ट कर लिया। हाँ, और मुझे काफी सपोर्ट भी मिला कुत्तेबाजी में। मेरी मम्मी का बहुत ज्यादा सपोर्ट था मुझे जी, घर वालों ने भी सपोर्ट करा। जी जी। और बाकी मुझे क्या नाम है, डॉग्स ने बहुत हेल्प करी है जीवन में, कि काफी जरूरतें पूरी भी करी हैं। और सबसे ज्यादा स्पेशलिटी मुझे शिट्ज़ू ब्रीड ने ज्यादा सपोर्ट किया है। अच्छा, शिट्ज़ू ब्रीड से मतलब आपका खास लगाव है? बिल्कुल जी। तो आपने ये चीज़, मतलब सबसे पहले आपने कौन सी ब्रीड रखी? सबसे पहले तो मैंने शेफर्ड भी रखे हैं, बॉक्सर भी रखे हैं, लैब भी रखे हैं, बट जो मुझे शिट्ज़ू में प्रॉफिट मिला जी, वो मुझे और किसी ब्रीड में कोई इंटरेस्ट इतना खास। और ब्रीड भी मतलब प्रॉफिट के उससे घर के रखने के हिसाब से बहुत अच्छी, मतलब फ्रेंडली ब्रीड है, बहुत ज़्यादा टॉय ब्रीड है। और ये समझ लो बिल्कुल ऐसे घर में जैसे एक टेडी बियर रख लेगा वो। जी, सुंदर भी है और खाने पीने के भी कोई नखरे नहीं है ऐसे? नहीं, कोई इतना कुछ ऐसा नहीं है, मेंटेनेंस भी कुछ नहीं, बस थोड़ा सा हेयर ग्रूमिंग की थोड़ी वो सी। तो मतलब जानवर रखो तो केयर ऑब्वियसली होती है। थोड़ी देखा मैंने नीचे बोला। सो अभी जो आप एक नई ब्रीड बता रहे थे जो आप लेके आए हैं बिचौन, वो हम दिखाते हैं अपने व्यूअर्स को। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक फीमेल है बिचौन, मैंने अभी परचेज की है, ये गाजियाबाद से खरीदी है मैंने ये फीमेल जी। ये थोड़ा ये आसपास किसी के पास भी नहीं है जी, ये गाजियाबाद में ही है। वो भी एक दो ब्रीडर हैं जो अच्छे ब्रीडर हैं ऊंचे लेवल के, उनके पास ही है जी। और ये हापुड़ क्या मैं कहूँ, आसपास के 30 किलोमीटर तक के एरिया में भी नहीं है, 30-35 किलोमीटर के एरिया में। अच्छा हाँ, ये बहुत रेयर है। और इसको मैं आपको एक फोटो दिखा देना इसका एडल्ट का कैसा होता है जी, आप मुझे भेज दिएगा मैं अटैच कर दूंगा। ये फीमेल है और इसके बाल भी बिल्कुल रुई जैसे हैं, जैसे नॉर्मल कुत्तों जैसे इसका फर नहीं है। सो इसकी क्या एज है मोंटी भाई? ये अभी 3 मंथ के प्लस है। अच्छा, मतलब अभी पपी है, छोटी फीमेल है ये। इसको मैं पर्सनली अपने ब्रीडिंग पर्पस से ही लेकर आया हूँ। अच्छा, हो सकता है आगे जाके इसके बेबी से होके हम फीमेल्स को रिटेन करेंगे अपने लिए। जी, तो मतलब ये ब्रीड भी अब धीरे धीरे यहाँ पे मिलनी शुरू होगी आपके थ्रू। हाँ, सोचते हैं कि अच्छे से अच्छा ब्रीड कर पाए और अच्छे से अच्छा पब्लिक को दे जी पालने के लिए। एक पपी इसमें हमारे पास और कौन सा है वो भी दिखा दी, आपके पास सेल के लिए है ये? हाँ कोई लेगा तो मैं इसको दे दूंगा। ये बीगल की फीमेल है, इसकी मदर ये वाली है, उसका फादर भी मदर अभी दिखाएंगे, पहले अभी आपके पास जो बच्चा है। ये 5 बच्चे दिए थे, ये बीगल की फीमेल है और इसका जो एक बच्चा है वो मेरे पास भी है पर्सनली, मैंने मोंटी भाई से लिया। एक फीमेल ये है हमारे पास। और अब हम बड़े डॉग्स की तरफ आ जाते हैं। सो मोंटी भाई धीरे धीरे करके बताएंगे कौन से हैं। ये वाली फीमेल कौन सी है मोंटी भाई? ये मेरी फर्स्ट फीमेल है शिट्ज़ू कायरा जी। हाँ, इसने ही मुझे बहुत सपोर्ट किया है जी, और इसके ही मैं आगे जाके बच्चे दौड़ता चलूंगा, लेकिन अभी तक तो मेरे पास कोई रहने नहीं देता इसके बच्चे। जब भी ये ब्याहती है तो ऑलरेडी बुक कर देते हैं कि ये हमें दे दो हमें दे दो। अच्छा, मतलब इसकी डिमांड बहुत है, बहुत ज्यादा मेरे पास कोई छोड़ता ही नहीं है। आजकल मैंने आपको कुछ दिन पहले बच्ची दिखाई थी एक जी, वो भी रात ले गए मैंने उसको अपने लिए, वो जो मैंने बीगल के साथ देखा था बच्चा। हाँ, वो मैंने अपने लिए रिटेन करने की सोची थी जी, वो एक मिलने वाले आगे कह रहे ये हमें दे दो। अच्छा, फिर वो खरीद के ले गए उसको रात, मना किया वो ले गए। और ये कौन सी है फीमेल? ये है जो आपको मैंने बच्ची दिखाई है, ये उसकी मदर है। अच्छा, ये वाली। अच्छा, देखिए फीमेल मेरी बहुत सुंदर फीमेल है सूटी जी, ये अभी मैट खड़ी है। ये तो बिल्कुल मेल जैसी लग रही है, इतनी बड़ा साइज है इसका। हाँ, ये पहले सिर जो चलते थे इस बिग साइज के। अच्छा हाँ, ये वो वाली फीमेल है, इसको अभी मैंने गाजियाबाद कराई है मैट जी।
गब्बर नाम का एक डॉग है अपने राहुल भैया जी हैं शर्मा जी जी उनके पास डॉग है, उनके पास सत्यम ब्रजेश के भैया हैं जी, उनके पास एक जैसन नाम का कुत्ता था वो उसका बच्चा उन्होंने पाल लिया है राहुल भैया ने, उस कुत्ते से मैट है तो ये मतलब चैंपियन लाइन से क्रॉस हुई है। बहुत अच्छी ब्रीड है ये, विद पेपर से मेरे पास केसीआई फीमेल है। अच्छा केसीआई रजिस्टर्ड है। अब एक फीमेल आपकी यहाँ पे ये बैठी हुई है इसके बारे में बता दें। ये एक फीमेल दूसरी है, ये भी केसीआई फीमेल है, ये भी इसको आप ट्राई करिएगा इधर बुलाने का अगर ये आ सके। पूछ ले ये थोड़ी सी अच्छा थोड़ी शाय टाइप की है, ये शर्माती है। चलिए कोई नहीं, आ गया फ्रेम में आ गया, खेल रही है। ये बहुत सुंदर फीमेल है ये भी, अभी ये 9-10 महीने की हुई है जी। ये है बड़े, इसका क्या नाम बताया भैया आपने जो लास्ट वाली थी? ये दूसरी है फीमेल, ये अभी 11 महीने की हुई है, मैंने 7 महीने की परचेस करी थी ये जी, और इसको मैं ब्रीड करने के हिसाब से ही लाया हूँ आगे, मुझे बहुत सुंदर फीमेल लगी थी। अच्छा बाकी ये मैंने सबके भी हेयर सब ग्रूमिंग करने की वजह ये काट दिए हैं मैंने, जैसे कि इनमें केयरिंग बहुत ज्यादा होती है। जी जी टॉय ब्रीड है तो ऑब्वियसली केयर होती है कि बाल गंदे ना हो जाएं और टिक्स ना हो जाएं। एक वजह और भी है ना, जब हम किसी को ब्रीड कर रहे हैं तो फिर ये पीछे से बहुत बुरा कंडीशन हो जाती है। हाँ जब फीमेल बच्चे देती है तो गंदी हो जाती है। शो कंडीशन में रखते हो तो हेयर कंडीशन में रख सकते हो, शो करनी है आपने तो शो, ब्रीड करनी है तो फिर कटिंग करके ही, मतलब एक चीज ही रह सकती है प्रॉपरली जी। तो ये है जी। तो भैया वैसे आप फीड में क्या क्या देते हैं? जैसे बहुत से लोग हैं नए जिन्हें नहीं आइडिया कि टॉय ब्रीड रख रहे हैं, वो सिर्फ कैंड फूड पे चले जाते हैं। नहीं देखो मैं तो फीड देता हूँ, पेडिग्री पपी आता है जी वही देता हूँ, बट ये है कि कभी फीड को बाबा बदलना नहीं चाहिए। अच्छा एक ही फीड रखो, उससे आपको रिजल्ट भी पता लगेगा क्या रिजल्ट आ रहा है आपके डॉग्स पर जी। लेकिन मुझे तो बेस्ट अभी ऐसे मार्केट में तो बहुत सारे फीड है जी, बहुत सारी ब्रांड्स हैं, बट मैं तो शुरू से ही पेडिग्री पपी का ही यूज करता हूँ। अच्छा मदर एंड पपी वाला जो फीड आता है। हाँ 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 जी। और जो बच्चे होते हैं मैं रॉयल कैनिन के फीड पे तैयार करता हूँ। अच्छा जो बच्चे होते हैं तो जो फीमेल कंसीव हो जाती है जी, जैसे मुझे कंसीव शो कर जाती है वो पिछली 1 मंथ के बाद जी, पता जी, लग जाता है कि कंसीव है वो जी, जी, जी। उसके बाद मैं रॉयल कैनिन का फीड स्टार्ट कर देता हूँ। अच्छा मदर एंड पपी स्टार्टर जो होता है। हाँ उससे ये है कि आगे को वो मजबूत हो जाती है, बच्चे देने के लिए तैयार हो जाती है जी। ये और कैल्शियम विटामिन चलते हैं कंटिन्यू जी जी जी। तो भैया आप अपना एक बार फोन नंबर शेयर कर दिए तो जो आपसे परचेज करना चाहेंगे जिन्हें शौक होगा वो आपसे ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मेरा नंबर है 6395 जी 8071 जी 7497। एक बार फिर से बोल दिएगा 6395 जी 80 जी 7497। ठीक है भैया। सो अभी फिर आगे जैसे ऐसे व्लॉग्स बनते जाएंगे हम कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल, अभी फिलहाल हम एक बार ये वाले बच्चे दिखा देते हैं, और यहाँ पे और भी हमारे दोस्त हैं, यमन भाई हैं, भाई का क्या नाम है, ये प्रिंस भाई हैं, अभिषेक भाई हैं, ये हमारे इज़राइल भाई हैं, हम यहीं पे आए हुए हैं, ये अमन भाई भी साथ में ब्रीडिंग में है, और मोंटी भाई ने और भी काफ़ी शौक रख रखा है पीछे कबूतरों का भी, और आगे जैसे जैसे हमारे व्लॉग्स बनते जाएंगे टाइम आपको रेप्टाइल्स भी दिखाएंगे, बहुत सारे रेप्टाइल्स भी दिखाएंगे, मिनी जू बना रहे हैं भाई बिल्कुल, ऐसे ही समझ लो, ये कुत्ते धूप में बैठे हुए। आगे जैसे जैसे व्लॉग्स बनते रहेंगे, अब तो कनेक्शन जुड़ गए हैं तो होती रहेगी मुलाकात। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।